अगर एक सुबह आप सोकर उठो और आपको पता चले कि आप इमोर्टल हो गए, यानी कि आप हमेशा के लिए अमर हो चुके हो, मतलब आप कभी मरोगे नहीं, तो आप इस चीज को क्या मानोगे? आपके लिए वरदान मानोगे या आपके लिए एक श्राप मानोगे? ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आप लोग सोच रहे हो यार मैंने ये चीज क्यों बोला। देखिए, ये जो सीरीज के बारे में जो मैं बात करने वाला, इस सीरीज का नाम है अफसोस। तो इस सीरीज में कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। अब वो किस तरह से इस्तेमाल किया गया आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। खैर, अब सीरीज की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको कुछ पुलिस वाले देखने को मिल जाएंगे, एक साधु देखने को मिल जाएगा, एक पागल साइंटिस्ट देखने को मिल जाएगा, एक आदमी देखने को मिल जाएगा जो हमेशा सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, एक डॉक्टर देखने को मिल जाएगी जो उस आदमी को सुसाइड करने से रोकने की कोशिश कर रही है, एक हिटमैन देखने को मिल जाएगी जो हमेशा उस आदमी के पीछे पड़ी उसे जान से मारने के लिए, और कुछ ऐसे एजेंसी वाले देखने को मिल जाएंगे जो जिनका काम यही है कि वो जो लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को बढ़ावा देना, बस उन लोगों को हेल्प करना कि किस तरह से सुसाइड की जाए। जितने भी क्रेजी लोगों की मैं बात कर रहा था, ये सारे के सारे क्रेजी लोग आपको ये सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। ये सीरीज देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि अपना दिमाग है ना साइड में रखना, तब जाके आप ये सीरीज देखना। क्योंकि अगर आप लोग इसको दिमाग से देखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा खुद पर। आप लोग बोलोगे अबे चूतिया कब तक चलेगा ये ड्रामा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि डायरेक्टर आखिर में बताना क्या चाह रहा है। क्या ऐसे पुलिस वाले बताना चाह रहा है जो काम तो नहीं करना चाहते, लेकिन जब एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो बहुत ही बहादुर पुलिस वाले बन जाते हैं, या तो फिर एक ऐसी हिटमैन के बारे में बताना चाह रहा है वो सामने वाला आदमी नहीं मरना चाह रहा है फिर भी उसके पीछे पड़ी उसको मारने के, और वो किसी भी हद तक जा रही है उसको मारने के लिए, या डायरेक्टर ये बताना चाह रहा है कि मुंबई जैसे शहर में धड़ाधड़ एक के बाद खून हो रहे, लेकिन पुलिस को ना मीडिया को किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है, और इवन जो लोग मर रहे हैं उनके घर वालों को भी पड़ी नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मर्डर करना बहुत आसान है। तो खैर, इस सीरीज की कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती है नकुल से, यानी कि गुलशन देवाई से। वो सुसाइड करना चाहते हैं और वो सुसाइड के लिए लगभग 11 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, और जब जब वो सुसाइड के लिए कोशिश करते तो वो तो नहीं मरते लेकिन कोई और जरूर मर जाता है। खैर, कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब नकुल को ऐसा लगता है कि अब उसे सुसाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि अब उसकी जिंदगी में एक प्यार आ चुका है। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने कहा, इस सीरीज में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं और करीब करीब हर एक एपिसोड आधे घंटे से कम या आधे घंटे के करीब करीब भी है। और इस सीरीज की बात करो तो सीरीज की कहानी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये कुंदन शाह सर की मूवीज या तो फिर सुधीर मिश्रा सर की मूवीज, इन दोनों की मूवीज से ली गई कुछ कहानी या कुछ तरीका, बेसिकली वही कुछ मुझे रिमाइंड कर रहा था ये सीरीज देखकर। इस सीरीज को जिस तरीके से कोशिश की गई बनाने की, मैं इसकी सराहना करता हूँ क्योंकि इस सीरीज में जो जो चीजें बताई ना वो रियलिटी से काफी हद तक दूर है, और इस तरीके की चीजें वास्तविकता में होती नहीं है, मगर ये सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाई गई है। और जो लोग सोच रहे होंगे कि ये कॉमेडी सीरीज है, तो हाँ ये एक डार्क कॉमेडी सीरीज है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉमेडी पंचेस पर हंसी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमेडी पंचेस नहीं है। यहाँ पर सिचुएशनल कॉमेडी, यानी कि जो सिचुएशन हो रही उस पर अगर आपको हंसी आती है तो आप हंसोगे, अगर आपको हंसी नहीं आती तो आप लोग नहीं हंसोगे। तो मेरे हिसाब से ये सीरीज सबको पसंद तो नहीं आएगी। हाँ, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी, कुछ लोगों को एकदम टाइम वेस्ट लगेगी। और इस सीरीज में जो सबसे अच्छी चीज लगी वो था इस सीरीज का आखिरी एपिसोड, जहां पर एक जो चचा है, वो आप जब भी सीरीज देखोगे तो आप समझ जाओगे, जहां पर चचा जो कुछ ऐसी ऐसी बातें करते जिस बात को सुनकर मुझे लगा हाँ बात में दम तो जरूर है भाई। उसके अलावा काफी इलॉजिकल सीरीज लगी मुझे, लेकिन फिर भी इस सीरीज में एक बात तो है जो आपको ये सीरीज देखने पर मजबूर करती है, और यही वजह थी कि स्टार्ट से लेके एंड तक ये सीरीज को देखा। और यकीन मानो, मैं ये सीरीज देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ क्योंकि वाकई में ये सीरीज मेरे दिल को भा गई। हाँ, कुछ ऐसी इलॉजिकल चीजें थी जिसके बारे में हम लोग नई बात करें तो ही बेटर होगा। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो देखिए, परफॉर्मेंस में जितने भी एक्टर्स है, चाहे वो हिबा शाह जो एज हिटमैन, बहुत ही उनका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत ज्यादा खतरनाक था। और गुलशन देवाई की बात करो तो यार उनका रोल एज नकुल बहुत अच्छा है। उसके अलावा इसमें बहुत और कैरेक्टर्स भी है जिनका रोल आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब अपने काम में बहुत ही बेहतर लगे मुझे इस सीरीज में। लेकिन एक जो रोल था यानी कि रिपोर्टर का, मुझे ऐसा लगा था वो उस रिपोर्टर का रोल का कोई खास मतलब नहीं था इस सीरीज में, जो कि मजा भी नहीं आ रहा था। तो बस मैं इतना बोलूंगा, हाँ ये एक एंटरटेनिंग शो है, डिपेंड करता है कि आप लोगों का माइंडसेट क्या है, आप लोग क्या देखना चाहते हो। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोग इस सीरीज के स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगा तो आप इसे आगे बढ़ाइए, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप इसे रोक भी सकते हो, अदरवाइज मेरे बाप का क्या जाता है। खैर, मेरे हिसाब से अगर मैं इसको रेटिंग दूंगा तो मैं इस सीरीज को 10 में से 6 दूंगा। 6 इसके लिए दूंगा कि कुछ इलॉजिकल चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से बताई, और सिचुएशन कॉमेडी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है पंचेस के अलावा, क्योंकि पंचेस बोले तो आजकल बॉलीवुड के पास कुछ नए पंचेस बचे नहीं, वही घूमे फिरे पुराने पंचेस को लाते। तो इस बार
सीरीज में जो सिचुएशनल कॉमेडी बताई है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, और इसी वजह से मैं इसको 10 में से 6 दे रहा हूँ। और बस यार, अगर आप लोगों को ये सीरीज देखनी तो आप इसे अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम पे बहुत से लोग हैं जो डाउनलोड कर अपलोड कर देते हैं, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है वीडियो करें लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब। मैं हूँ राशिश शेख और आप सब है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। अगला वीडियो आएगा नेटफ्लिक्स का एक शो लॉक एंड की, जो कि मैं अभी शुरू किया हूँ, तो जैसे ही खत्म होगा तो उसके ऊपर रिव्यू आ जाएगा। तो बस दुआ में याद रखना और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। तो टिल देन